ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तीनों ही बातें याद है ना, मैं शुद्ध आत्मा, आत्मा तो कॉमन हर एक जानता है, बाप ने हमें यही पहचान देख करके शुद्धि को अपनाना सिखाया है, इसलिए हमें याद रहे मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध शब्द कहने से ही इतनी अंदर की भावना शुद्ध हो जाती है, और मैं सर्वशक्तिवान। रोज याद करने में कोई न कोई अपने पास नवीन बात होनी ही चाहिए, तो मजा आएगा अपने को, नहीं तो कहेंगे क्या रोज रोज, जानते तो है ही। और शांति धाम की रहने वाली, कॉमन रीति से तो ऐसे ही बोलते हैं, बाकी अगर मजा लेना है अर्थात खुशी इमर्ज होती रहे तो भिन्न भिन्न, क्योंकि नाम तो भिन्न बहुत है हर बात का, बाप के अनेक नाम, अनेक प्रकार से उनकी महिमा, शांति धाम, और उसको क्या क्या बोलेंगे, मुक्ति धाम, हमारा घर, जो भी याद करे। बाबा ने याद की ये सहज सहज विधियां हम बच्चों को दे दी है, इस विधि का हम विधि को उपयोग करते रहें तो याद बनी रहे। आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे प्रश्न है, बाप की याद न रहने का कारण क्या है? आप लोग निकालना जवाब अपने पास। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे खेवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। खेवैये का काम ही ये है, या तो नैया में लेके घूमेंगे यात्रों को, और फिर जहाँ भी जाना है उस पार जाना है तो पार लगा लेंगे। तुम बाप से सच्चे होकर के रहो तो नैया भल हिलेंगी डोलेंगी, परंतु डूबेंगी नहीं, डूब नहीं सकती। प्रश्न, बाप की याद बच्चों को यथार्थ न रहने का मुख्य कारण क्या? समझ गए? जवाब तो सबके पास सहज है, हाँ है ना सहज। साकार में आते आते बाबा देखो नियम बताते हैं, क्यों भूल लिया, साकार में आते आते भूल गए हैं, हम आत्मा निराकार है और हमारा बाप भी निराकार है। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। देह मानी मन अपने को बिंदी समझ बाप को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। ये बात तो अभी भी हम अपने आप से पूछे, सचमुच हम अपने को बिंदी समझ करके, आत्मा अति बिंदी अर्थात अति सूक्ष्म है, तो मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ यही हम याद रखें, तो आत्मा की इस क्वालिटी से भी हमें कितना नशा, मैं आत्मा कितनी सूक्ष्म, और इतनी सूक्ष्म इतनी छोटी होते भी कितना काम करती है। शरीर, सारे शरीर की कर्मेंद्रियों से कर्म, मन बुद्धि भी तभी चलता है ना जब आत्मा है। वैसे तो आत्मा में मन बुद्धि समाया हुआ ही है, आत्मा है ही मन बुद्धि सहित, फिर भी साकार में आने से वो काम करते हैं। अच्छा, बिंदी समझ आपको याद करना, इसमें ही मेहनत है।
ओम शांति। शिव भगवान वचन, इनका नाम तो शिव नहीं है, ब्रह्मा बाबा सामने उसको देखते हैं तो बाबा कहते इनका नाम तो शिव नहीं है, इनका नाम है ब्रह्मा और इनके द्वारा बात करते हैं शिव भगवान वचन। ये तो बहुत बार समझाया गया है, कोई मनुष्य को या देवता को अथवा सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहा जाता। जिनको कोई भी आकार व साकार चित्र है उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान कहा ही जाता है किसको? बेहद के बाप को। ये किसको भी पता नहीं है कि भगवान कौन है, बस नेति नेति कहते रहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते। बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी बहुत थोड़ी है जो यथारथ रीत बाप को पहचानते हैं। आत्मा कहती है हे भगवान, अब आत्मा तो है बिंदी और बाप भी तो जरूर बिंदी ही होगा। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, देखो बाबा के पास 30-35 वर्ष के भी बच्चे हैं, जो हम आत्मा बिंदी कैसे है ये भी नहीं समझते हैं। कोई तो अच्छी रीत भी समझते हैं, बाप को याद भी करते हैं। बेहद का बाप तो है सच्चा सच्चा हीरा, हीरे को बहुत अच्छी डब्बी में डाला जाता है, हीरे को जवाहरी ही जाने और न जान और कोई जान न सके। झूठा हीरा दिखाए तो भी किसको पता न कर पड़े, जवाहरी अगर झूठा हीरा दिखाए तो भी किसको पता न पड़ेगा, ऐसे बहुत थक जाते हैं। तो अब सच्चा बाप आया है, परंतु झूठे भी ऐसे ऐसे हैं। अब गया, अब सच्चा बाप आया हुआ है परंतु झूठे भी ऐसे ऐसे हैं जो अपने को बाप कहलाते हैं ना, माना भगवान कहलाते हैं। मनुष्यों को पता ही नहीं पड़ता, गाया भी जाता है सच की नाव हिले डोले परंतु डूबे नहीं, झूठ की नाव हिलती नहीं है। इनको इनको कितना हिलाने की कोशिश, इनको कितना हिलाने की करते हैं जो यहाँ इस नाव में बैठे हुए हैं, इनको कितना हिलाने की कोशिश करते हैं जो यहाँ नाव में बैठे हुए हैं, वे भी हिलाने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हो ना बाप की बात, ट्विटर गाए जाते हैं ना, अब तुम बच्चे हो खेवैया, अब तुम हो बच्चे खेवैया, बाप आया हुआ है, बाप तो बागबान भी है। बाप ने समझाया है अब तो ये है सारी दुनिया का टुकड़ा जंगल, सभी पतित है ना, कितना झूठ है। सच्चे बाप को कोई विरला ही जानता है, यहाँ वाले भी कहीं पूरा नहीं जानते, पूरी पहचान नहीं, क्योंकि गुप्त है ना बाप, गुप्त है ना। वैसे तो भगवान को याद सब करते हैं, ये भी जानते हैं कि वो तो है निराकार, परम नाम में रहते हैं। हम भी निराकार आत्मा है ये नहीं जानते हैं, साकार में बैठे बैठे अनेक जन्मों से साकार में ही आते रहे हैं तो भूल गए हैं। साकार में रहते रहते साकार ही याद आ जाता है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे देही अभिमानी बनते हो, भगवान को तो कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा।
ये बात समझाना तो बिल्कुल सहज है। परम पिता अर्थात परे से परे रहने वाला परम आत्मा तुमको कहा जाता है। आत्मा तुमको परम नहीं कहेंगे, तुम तो पुनः जन्म लेते हो ना, अब ये सब बातें और कोई भी जानते नहीं। देखो मनुष्यों ने तो भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। भगत भगवान को ढूंढते हैं, पहाड़ों पर, यात्रा स्थानों पर, नदियों पर जाते हैं, समझते हैं नदी ही पतित पावनी है, उसमें हम स्नान कर पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो ये किसको भी पता नहीं पड़ता है कि हमको आखिर भी चाहिए क्या। सिर्फ कह देते हैं मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्योंकि यहाँ दुख होने के कारण तंग हो गए हैं। सत्य में कोई मुक्ति व मोक्ष थोड़े ही मांगते हैं, वहाँ भगवान को तो कोई बुलाते ही नहीं, यहाँ दुखी होने के कारण बुलाते रहते हैं। भक्ति में कोई का भी दुख हर नहीं सकते, बल कोई सारा दिन बैठ कर के राम 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 जपे तो भी दुख नहीं हर सकते हैं, क्योंकि ये तो है ही रावण का राज। दुख तो गले तक बांधा हुआ है, अनेक जन्मों का खाता तो गले तक बांधा हुआ है। गाते भी है दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे न कूप। इसका मतलब जरूर कब सुख था, सुख था सत्य में, और अब है दुख, अब है कलयुग, इसलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। पहला नंबर है देह अभिमान का कांटा, फिर है काम का कांटा। बाबा कहते हैं अभी बाप तुम्हें समझाते हैं, तुम बच्चे नाखों से जो कुछ भी देखते हो वो सब विनाश होने का है। अब तुमको चलना है अपने शांति धाम, अपने घर, तो इसलिए अब अपने घर को और राजधानी को याद करो। घर के याद के साथ बाप की याद भी जरूरी है, क्योंकि घर तो कोई पतित पावन नहीं है। तुम पतित पावन बाप को कहते हो तो बाप को ही याद करना है, बाप को याद करने से ही पतित से पावन बन सकेंगे। वो कहते हैं माम एकम, बाप कहते हैं माम एकम याद करो, मुझे ही तो बुलाते रहते हो ना, आकर पावन बनाओ ज्ञान का सागर, तो जरूर मुख से ही तो आकर के समझाना पड़े, प्रेरणा तो नहीं करेंगे। देखो एक तरफ शिव जयंती भी मनाते हैं, एक तरफ शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव आया है तब तो जयंती मनाते हैं, और फिर दूसरे तरफ कहते हैं वो तो है ही नाम रूप से न्याना। नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती ही नहीं, फिर कह देते हैं पत्थर बितर सब में सर्वव्यापी है। अनेक मत है, बाप समझाते हैं अब तुमको पांच विकारों रूपी रावण ने बड़ा ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है, इसलिए ही तो देवताओं के आगे जा करके नमस्ते करते हैं। क्योंकि कोई तो नास्तक होते हैं करते हैं नमस्ते, और कोई तो नास्तक भी होते हैं जो किसको भी मानते नहीं। यहाँ बाप के पास तो आते ही है ब्राह्मण, जिनको 5000 वर्ष पहले भी समझाया था, लिखा हुआ भी है,
परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं, तो ब्रह्मा की संतान ठहरे ना, प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणिया भी तो होंगी। केवल ब्रह्मा मशहूर है तो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, अभी ब्राह्मण है तो ब्राह्मणिया भी होंगी, अर्थात भाई बहन होंगे। अभी बाबा कहते तुम बच्चे शूद्र धर्म से निकल ब्राह्मण धर्म में आए हो। वास्तव में हिंदू कहलाने वाले अपने असली धर्म को जानते ही नहीं है, इसलिए कभी किसको मानेंगे नहीं, इसलिए कभी किसको मानेंगे क्योंकि अपने वास्तविक धर्म को जानते नहीं है। बहुतों के पास जाते रहते हैं, क्रिश्चियन लोग कभी भी किस किस कभी कहाँ नहीं जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे सिद्ध कर बतलाते हो, भगवान बाप कहते हैं, बाप स्वयं कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। देखना एक दिन ये अखबार में भी पढ़ेगा कि भगवान कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। जब विनाश होगा तब अखबारों के द्वारा भी ये आवाज सबके कानों पर पड़ेगा। अखबार में तो कहाँ कहाँ से समाचार आते रहते हैं, अभी भी डाल सकते हो। भगवानों वाचन परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं मैं हूँ पतित पावन, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस पतित दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है, विनाश जरूर होना है, ये सबको आगे चल के निश्चय हो जाएगा। रियल सल भी तो होती रहेंगी। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं होगा, अर्थक्वेक साथ भी तो होनी है। एक तरफ बॉम्ब्स फटेंगे, दूसरी तरफ नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी, अनाज आदि नहीं मिलेगा, स्टीमर्स नहीं आएंगे, फैमन पर जाएगा, भूख मरते मरते भी कई खत्म हो जाएंगे। भूख हड़ताल जो करते हैं वे तो फिर भी कुछ न कुछ जल व मक्सद आदि खा लेते रहते हैं, वजन में कम होते जाते हैं। ये तो विनाश के समय, ये तो बैठे बैठे अचानक अर्थक्वेक होंगी और मर जाएंगे। विनाश तो सारी विश्व का होना ही है। साधु संत आदि ये बात नहीं कहेंगे कि विनाश होना है, इसलिए राम राम कहो, वो तो कहेंगे भगवान को ही नहीं जानते। वो साधु संत यथारत रीति से भगवान को तो जानते ही नहीं, भगवान तो स्वयं ही कहते हैं अपने को जानो। भगवान साधु संत आदि कोई भी भगवान को नहीं जानते, भगवान स्वयं ही कहते हैं खुद ही अपने को न जाने तो और न जाने को। उनका नाम है, उनका समय है आने का, भगवान के आने का समय है, जो फिर बूढ़े तन में आकर सारी सृष्टि के आदि मध्यंत का नॉलेज सुनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे अब जानते हो, अभी हमें वापस जाना है।
अब इसमें तो खुश होना चाहिए कि अब तो हमें वापस जाना है, हम तो अब शांति धाम जाएंगे। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु शांति देवे कौन? कहते हैं ना शांति देवा। अब देवों का देव तो एक ही ऊंच से ऊंच बाप है। वो कहते हैं मैं तुम सबको पावन बनाकर अपने साथ ले जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ड्रामा प्लान अनुसार सबको जाना ही है, गाया हुआ है मच्छरों सदृश सब आत्माएं जाती हैं। बाबा कहते हैं अभी तो तुम बच्चे जानते हैं, सत्य में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। अभी कलयुग के अंत में देखो कितने अनेक अनेक मनुष्य हैं। फिर ये सब थोड़े कैसे होंगे? अभी है ये संगम, अभी तुम बच्चे सत्य में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, जानते हो कि अब विनाश तो होना ही है, तो मच्छरों सदृश सब आत्माएं जाएंगी, ये सारा झुंड चला जाएगा और सत्य में बहुत थोड़ी रहेंगी। बाप कहते हैं बच्चे कोई भी देहदारी को याद नहीं करो, देखते हुए हम नहीं देखते हैं, याद रहे मैं आत्मा हूँ। हम अपने घर अभी जाएंगे, खुशी से यह प्राण छोड़ देने हैं। अपने शांति धाम को याद करते रहो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। बस एक बाप को ही याद करना है, इसमें तो बड़ी मेहनत है। बाबा कहते हैं मेहनत के बगैर भी ऊंच पद भी थोड़े ही मिलेगा। बाप तो आते ही है तुमको नर से नारायण बनाने के लिए। बाबा कहते हैं अभी इस पुरानी दुनिया में तो कोई किसको चैन है ही नहीं, चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। यहाँ तो देखो घर घर में अशांति है, मार पीट रोना ये सब लगा हुआ है। बाप कहते हैं अब ऐसी दुनिया छीछी दुनिया को भूलो। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों अब मैं तुम्हारे लिए ही स्वर्ग की स्थापना करने के लिए आया हूँ। अभी तो तुम इस नर्क में पतित दुनिया में पतित बन पड़े हो, अब स्वर्ग में चलना है तो अब बाप को और स्वर्ग को याद करो तो अंत मते सो गति हो जाएंगी। भल शादी आद में जाओ परंतु याद बाप को जरूर करो। नाले ये सारी नाले बच्चों के बुद्धि में रहनी चाहिए। बल घर घर में रहो, बच्चों आज की संभाल करो, परंतु बुद्धि में ये जरूर याद रखो बाप का प्रमाण है, मुझे याद करो। बाबा कहते हैं बच्चे घर छोड़ना नहीं है, नहीं तो तुम्हारे बच्चों की संभाल कौन करेगा? भगत लोग भी तो घर में रहते हैं, घर ग्रस्त व्यवहार में रहते फिर भी उनको भगत कहा जाता है ना? क्योंकि अभी तुमको
इसको कहते हैं भगत। घर गृहस्थ व्यवहार में रहते भी है, फिर भी उनको भगत तो कहा जाता है ना, क्योंकि वो भक्ति करते हैं, घर बार संभालते हैं, विकार में तो वे भी जाते रहते हैं। परंतु गुरु लोग उनको कहते हैं तुम कृष्ण को याद करते रहो। कृष्ण को याद करते रहेंगे तो तुमको उन जैसा बच्चा होगा। गुरु फिर उनको ऐसे बोलते हैं। इन बातों में अब तुम बच्चों को नहीं जाना है। गुरु लोग क्या समझाते हैं, मनुष्य क्या कर रहे हैं, इन बातों में तुम बच्चों को अभी नहीं जाना है। तुमको तो अब सत्य में जाने की बातें सुनाई जाती हैं, जिसकी अब स्थापना हो रही है। वैकुंठ की स्थापना कोई कृष्ण नहीं करते हैं, कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक बना है। ये तो पढ़ने वाला ठहरा ब्रह्मा पढ़ने वाला ठहरा, और वो तो फिर कृष्ण तो मालिक, वही कृष्ण है जो स्वर्ग का मालिक बनता है। गीता सुनाई बाप ने और बच्चे ने सुनी, समझ गए ना, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की बात। भक्ति मार्ग में फिर बाप को बदल बच्चे का नाम डाल दिया है, और वो भी कृष्ण खुद का नाम डाला है, और बाप को तो भूल ही गई है, इसलिए गीता भी खंडन हो गई। वो फिर खंडन की हुई गीता, अब सोचो खंडन की हुई गीता पढ़ने से क्या फायदा होगा। बाप तो तुम्हें अब राजयोग आकर के सिखलाते हैं, इनसे इस राजयोग से ही तो श्री कृष्ण सत्य का मालिक बना है। अभी ये बात मनुष्य कैसे समझेंगे। भक्ति मार्ग में देखो सत्य नारायण की कथा सुनने से कोई स्वर्ग का मालिक न बनेगा क्या, न कोई इस ख्याल से सुनते हैं, इससे फायदा कुछ मिलता नहीं। साधु संत अपने अपने मंत्र दे देते हैं, फोटो भी अपना देते हैं, यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरे सत्संगों में जाएंगे तो कहेंगे फलाने स्वामी की कथा है, किसकी कथा आज, किसकी कथा है, वेदांत की कथा है, गीता की कथा है, भागवत की कथा है। अभी तुम बच्चे तो जानते हो, हम क्या जानते हैं, हमको पढ़ाने वाला कोई देहदारी नहीं है, न कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। ये तो शिव बाबा कोई शास्त्र थोड़ी पढ़ा हुआ है, पढ़ते तो पढ़ते हैं मनुष्य। शिव बाबा कहते हैं मैं तो गीता आदि कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं हूँ। ये रथ जिसमें शिव बाबा बैठा है ये पढ़ा हुआ है, मैं नहीं पढ़ा हुआ हूँ। मेरे में तो सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है। ये रोज ब्रह्मा बाबा रोज गीता पढ़ता था, तोते के माफिक कंठ कर लिया था। जब बाप ने प्रवेश किया तो झट गीता को छोड़ दिया, क्योंकि बुद्धि में आ गया ये तो स्वयं शिव बाबा आकर हमें सुनाते हैं। बाप कहते हैं समझ में आ रही है ना, सहज है और सुना भी है बार बार। बाप कहते हैं मैं तुमको बच्चे, मैं तुमको स्वर्ग की बातें ही देता हूँ। अब तो पुरानी दुनिया से ममत्व हटा दो, सिर्फ माँ में कम याद करो।
ये मेहनत तो जरूर करनी है। सच्चे आशिक को तो घड़ी घड़ी माशूक की याद आती रहती है, तो अब बाप की याद भी तुम्हें ऐसी पक्की रहनी चाहिए। पारलौकिक बाप कहते हैं, सुन रहे हैं ना सभी? हाँ सुन रहे हो? सुनते सुनते अपने आप से पूछे, कभी कभी सुनते सुनते अपने को पक्का कराए, तब तो देखो सुनने का कितना फायदा है। और अटेंशन से सुनते रहेंगे। बाप कहते हैं, मैं तुमको स्वर्ग की बातचीत देता हूँ, तो अब पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, सिर्फ माँ में कम याद करो। ये मेहनत करनी है। सच्चे आशिक को घड़ी घड़ी माशूक की ही याद आती रहती है। तो अब मामा कहते हैं, तुम बच्चे बाप की याद भी ऐसी पक्की करो। बाप की याद अभी बच्चों को भूलनी नहीं चाहिए। पारलौकिक बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो तुम मुझे याद करो और स्वर्ग को भी याद करो। इसमें वास्तव में आवाज करने की कुछ जरूरत नहीं है, झांझ आज बजाने की भी कोई दरकार नहीं। गीत भी देखो कैसे अच्छे अच्छे बनाए हैं, बल बनाने वाले खुद नहीं पूरा जानते हैं। देखो मेरा बसंती, तुम तो अभी ज्ञानी हो। अब बाबा कहते हैं, देखो बाप कहते हैं, मुझे याद करो और स्वर्ग को याद करो, और कुछ भी आवाज करने झांझ आज बजाने की कोई दरकार नहीं। गीत भी देखो कोई अच्छे अच्छे आते हैं तो बजाए जाते हैं, जिनका अर्थ भी तुमको समझाते हैं, जो वास्तव में गीत बनाने वाले खुद भी ये अर्थ नहीं समझते, जो बाप हमें अर्थ बताते हैं। देखो मेरा भक्त थी, तुम तो अभी ज्ञानी हो। बच्चों से जब कोई काम ठीक नहीं होता है तो बाबा कहते हैं ना, कभी कभी पुरानों को मालूम होगा, बाबा कहते हैं कभी 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 एक गलती करके कहेंगे, तुम तो जैसे भगत हो, तो वह समझ जाते हैं बाबा ने हमको ऐसे क्यों कहा। बाप समझाते हैं, बच्चे अब बाप को याद करो, पैगंबर बनो, मैसेंजर बनो, सबको जाकर यही पैगाम दो, बाप और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। अब तो घर जाने का समय, अब तो वापस घर जाने का समय आया है। भगवान एक निराकार है, निराकार अर्थात उनको अपनी देह नहीं है। तो देखो बाप स्वयं ही अपना परिचय देते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे मन मना भव। बाप आकर के ये मन मना भव का मंत्र देते हैं। साधु संन्यासी आज तो सिखलाते हैं, वो ऐसा कभी नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं, देखो बाप तुमको क्या कहते हैं, अब तुम्हें बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, तुम्हें अब वापस घर जाना है। भगवान एक निराकार है, उनको अपनी देह नहीं है।
अब ये परिचय बाप स्वयं ही आकर के देते हैं। बाप ही आकर मन मना बका मंत्र देते हैं। सन्यासी साधु संस्यार ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि विनाश होना है। बाप को याद करो, बाप ही ब्राह्मण बच्चों को याद लाते रहते हैं। याद से ही तुम्हारी हेल्थ, याद से तुम्हारी हेल्थ और पढ़ाई से तुम्हें वेल्थ मिलेंगी। एवर हेल्दी बन जाते हैं ना हम। अभी तुम काल पर विजय पाते हो, सत्युग में कभी भी अकाले मृत्यु होता नहीं। देवताओं ने, क्योंकि देवताओं ने काल पर विजय प्राप्त की हुई है। तब फिर बैठे बैठे जब उनको पता चलता है अब समय शरीर छूटने का है, अब अंतिम घड़ी नजदीक है, तो पता चलने से फिर बस एकांत में बैठ जाते हैं, अब तो शरीर से जाना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे वहाँ सत्युग में तुम्हारी काल पर विजय है, जिस कारण अकाले मृत्यु कभी नहीं होता है। देवताओं ने भी तो काल पर विजय पाई थी, तो तुम भी अब हम सो देवता बन रहे हो। सत्युग में देवता स्वरूप में सृष्टि पर होंगे, उस समय अकाले मृत्यु नहीं, बैठे बैठे समय आने पर पता चल जाता है और बैठे बैठे स्वयं शरीर से अलग हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, बाप दादा बोले मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। सुन ली बाबा की मीठी मीठी बोली, हाँ विनाश तो होना ही है, बस दुन लगी रहे, बाप को याद करो, बाप को याद करो, फिर स्वर्ग को भी ये बाप की याद पक्की हो जाएंगी, तो स्वर्ग भी याद आएगा, क्योंकि बाप की याद से हमारे विकर्मों का खाता भस्म हो जाएगा और हम स्वर्ग में जाकर के विश्व के राजे महाराजे बनेंगे। बाबा कहते इसलिए स्वर्ग को याद करते रहो। बाबा ने भविष्य पहले से ही बता दिया है। अच्छा, अभी सारी मुरली सुनी, याद करो सेकंड में मुख्य बात, बाबा क्या क्या बार बार हमें याद दिला रहे थे, तो मुरली में भी सारी मुरली का सार दो पॉइंट्स में लिखा हुआ है, वो अब सुनते हैं। मुख्य बात, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप के द्वारा भगत का टाइटल मिले। बाबा ने कहा ना कोई भूल कर क्या कहते भगत, तो बाबा कहता है ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए
जो बाप से भगत का टाइटल मिले, पैगंबर बनकर सबको बाप और वर्षे की याद दिलानी है। दूसरी पॉइंट है ये संदेश सबको पहुंचाना है। दूसरी पॉइंट है इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है, ये है छिछी दुनिया, इसलिए इसको भूलते जाना है और घर को याद करना है। घर के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी जरूर याद करना है। ओम शांति। अभी फिर हम सुनते हैं वरदान। डबल सेवा द्वारा, डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। डबल सर्विस कौन सी है? गर्भस्थ में रहते यह जीवन है तो डबल सेवा, करुणा सेवा भी करे, स्थूल भी करे और साथ में जो बाबा हमें शिक्षा देते हैं मनसा से हमारी वो सेवा होती रहे। डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी बाबा, जैसे बाप का स्वरूप है ही विश्व सेवक, ऐसे आप बच्चे भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर के द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो, जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं उनसे देखने वालों को भी अनुभव साक्षात्कार हो जाता है कि ये कोई अलौकिक शक्ति नजर आती है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष, अब ये पूरी हुई पॉइंट, मनसा और कर्मा दोनों साथ साथ सेवा करनी है, उनसे देखने वालों को अनुभव वर्षा क्या कर हो जा रहा है कि ये कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बनाओ। लास्ट स्लोगन, सर्वप्रति गुणग्राहक बनो परंतु फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है। सर्वप्रति गुणग्राहक बनो लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को ही करना है। ओम शांति शांति शांति, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ही शिव बाबा हमें ये सारी शिक्षाएं दे रहे हैं। ओम शांति। बाकी हम तो चक्कर लगा के आई गई थी कल गांधीनगर में उनकी 34वां उसका अपने सेंटर का उत्सव था, 34वां
इसलिए उन्होंने ये फंक्शन रखा था और साथ साथ उन्होंने 125 अपने पुराने भाइयों का सम्मान समारोह भी रखा था। डबल प्रोग्राम था और साथ में सरला बहन की भी, उसका भी कुछ वर्ष बताते थे, उनकी भी सेरेमनी मनाई थी। तो फंक्शन तीन एक प्रोग्राम में, तीन प्रोग्राम, प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। और इन्होंने कमाल थी ये जो 5000 कुर्सियां लगाई थी शाम के फंक्शन में, 5000 पब्लिक हॉल फुल भरा हुआ था, तो प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और बड़े धाम धूम से तीन प्रोग्राम इकट्ठा किया। और सब जयंती 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 थी, तो जयंती के खुशी में और बड़े अच्छे धूमधाम से और बड़ी फ्राक दिल से सभी जिनों का भी सम्मान किया, उसको भी अच्छी सौगात दी, माना सौगात जितना वर्ष सेंटर के उस अनुसार इतनी चीजें बैग में डाल के दी हर एक को। और सेंटर का या उनका जितनी उनकी सेरेमनी मनाई जितने वर्षों की 25 के अंदर इतनी उसको बधा के दिए थे। और बाकी सेंटर की भी सेरेमनी थी कठी थी, तो सौगातें ऐसी दी और धूमधाम से सबका भोजन भी।